हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज का ये वीडियो चौथा चैप्टर होगा जिसमें हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। ठीक है, UPSC BPO यानी कि ग्राम पंचायतकारी मेंस एग्जाम्स के लिए जो है घटना चक्र बुक से चौथा चैप्टर लिया जा रहा है और उसको हम करवाएंगे। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, तो पंचायती राज विभाग के जो है नीति के संबंध में जो संक्षिप्त एक तरीके से बिंदुवार रूप से विवरण देखेंगे। फिर पंचायत सहायक क्या है, पंचायत सहायक कौन होता है, उनके कार्य क्या हैं, ऐसे भी हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायत नागरिक चार्टर जो है उसके बारे में जानेंगे। फिर ग्राम पंचायतों में वित्तीय सहायता, ग्राम पंचायतों को जो वित्तीय सहायता दिया जाता है वो किस प्रकार और किस तरीके से दिया जाता है उसको हम विधिवत जानेंगे। इसके बाद हम पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास के बारे में जानेंगे। फिर पंचायतों के प्रति जनता का क्या दायित्व हो, क्यों और कैसे किस प्रकार करा जाए, तो उसके चीज़ें हमें बिंदुवार यानी पॉइंट टू पॉइंट हम करके देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे तो ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण के बारे में बात करेंगे, हेल्पलाइन व्यवस्था किस प्रकार किया जाता है, और जन्म मृत्यु पंजीकरण क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर क्या है, ये सभी चीज़ें हम इसमें जानने वाले हैं, मुख्य मुख्य चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखने का तभी देखिएगा तभी इसका जो है भरपूर फायदा आपको जो है एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तीनों चैप्टर को, तो उसका मैं जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप चैनल पेज पर जाकर भी उसको जो है वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो पंचायती राज विभाग के नीति के संबंध में संक्षिप्त विवरण। अब प्रमुख बिंदु हैं कुछ, जैसे कि दृष्टि पत्र पहला अगर हम बात करेंगे तो इसमें 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप ग्रामीण स्थानीय निकायों को मूलभूत स्तर पर लोकतंत्र की प्रथम इकाई के रूप में विकसित करना, इसका जो है दृष्टि पत्र में इसका जो है रखा गया है। मिशन की बात करेंगे तो भारत के संविधान के अनुरूप पंचायतों को अधिकार, कार्य, कर्मी एवं धन का हस्तांतरण करते हुए उनका सुदृढ़ीकरण एवं सुनिश्चित करना इसका मिशन है। उद्देश्य की बात करेंगे तो पंचायतों को इस प्रकार अधिकार संपन्न करना कि वह अपने करारों पर उप नियमों का निर्माण, बजट स्वच्छता के स्तर में सुधार एवं सामुदायिक लाभ की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर सके। ठीक है, ढांचाओं की बात करेंगे तो किस प्रकार की ढांचा है, तो प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया गया है। पहला उसमें आता है जिला स्तर पर जिला पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो तीन प्रकार का जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया गया है। पंचायतों के कार्य को देखने के लिए राज्य, मंडल, जनपद, विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यालय एवं कर्मी जो है नियुक्त हैं। पंचायती राज विभाग राज्य निर्वाचन आयोग का भी प्रशासनिक विभाग है। पंचायती राज विभाग एवं संस्थाएं की अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित दो अधिनियमों में शासित हैं। पहला उसमें आता है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961। तो ये दो अधिनियम हैं जिनसे पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश का खासकर जो है शासित है। पंचायतों का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1995 से किया जा रहा है। पंचायतों को धनराज का संक्रमण जो अगर हम बात करेंगे तो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर जो है दिया जाता है। ठीक है, और प्रथम राज्य वित्त आयोग जो है 1994 में गठित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित संस्था जो है वो ग्राम सभा होती है जिसमें सभी योजनाएं एवं बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है, और इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की बैठकों में भी उनसे संबंधित योजनाओं एवं बजट को अनुमोदित कराया जाता है। पंचायती राज विभाग की प्रमुख योजनाओं की नियुक्तियाँ निम्नलिखित रूप से वेबसाइट पर जो है उल्लिखित होती हैं। अब आता है इसमें पंचायत सहायक। पंचायत सहायक की बात करें तो ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए वार्ड पंच, ग्राम प्रधान और सरपंच के अलावा सरकारी प्रतिनिधि को भी नियुक्त किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो जो ग्राम प्रधान के कार्य करने में मदद करते हैं और इन्हें पंचायत सहायक या पंचायत सचिव कहा जाता है। पंचायत सहायक की बात करें तो कौन होता है, तो पंचायत सहायक ग्राम प्रधान का एक कार्यवाहक होता है। ये एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत सहायक की नियुक्ति जो है की जाती है। ठीक है, पंचायत सहायक के कार्य क्या क्या होते हैं, तो ग्राम पंचायत के कार्यों के विवरण को व्यवस्थित रखना, यह पहला कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित कार्यों को ब्लॉक तक पहुंचाना, यह दूसरा काम होता है। तीसरा काम है पंचायत ग्राम सभा में हुई मीटिंग के रिकॉर्ड को रखना, यह तीसरा काम होता है। गांव के सभी लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रदर्शित करना, यह चौथा काम होता है। मनरेगा के तहत कार्य कर रहे लोगों का लेखा जोखा व्यवस्थित करना, यह पांचवा काम होता है। सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों की जानकारी को सरकार तक पहुंचाना, ये काम होता है। अगला काम होता है गाँव में हो रहे विकास कार्यों की निगरानी करना तथा उसे सही तरीके से पूर्ण करवाना। अगला काम होता है
गांव में किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित हो जाने पर उसे मुआवजा दिलवाना, पंचायत भवन में पंचायत सहायक को कंप्यूटर ऑपरेटर का भी कार्य करना होता है, सरकारी योजनाओं के लिए ग्रामीणों का फॉर्म भरने में सहायता करना भी ये जो है पंचायत सहायक के कार्य के अंतर्गत आता है। तो इतने सारे कार्य जो है पंचायत सहायक के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत नागरिक चार्टर। तो पंचायतें पूर्ण जन सहभागिता तथा पारदर्शिता के साथ ग्रामीण प्रशासन एवं ग्रामीण विकास की परिकल्पना को साकार कर सकें, इस हेतु तो एक नागरिक चार्टर बनाया गया है। इस नागरिक चार्टर को जन सामान्य की सुविधा एवं जानकारी के दृष्टिकोण से 7 विषयों में बांटा गया है। कौन कौन से विषय हैं? पहला विषय उसमें आता है ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, दूसरा है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पंचायतों का दायित्व, जिसमें कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास, पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व क्या होता है, विकेंद्रीकरण कार्यक्रम के बारे में जानेंगे, ग्राम पंचायतों का नियंत्रण और पंचायत हेल्पलाइन व्यवस्था। तो 7 प्रकार के विषय हैं जिनको इनके दृष्टि को मतलब ये उत्तर प्रदेश पंचायत नागरिक चार्टर के अधिनियम के तहत जो है सुविधा एवं जानकारी के दृष्टिकोण से इसे बांटा गया है। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके आगे हम इसमें देखेंगे विस्तृत रूप से। नागरिक चार्टर जो होता है क्या होता है? तो एक सतत प्रक्रिया है जो समय के साथ साथ जनता की भावनाओं, सुझावों, अनुभव और प्रतिक्रिया के अनुरूप जो है बदलती रहेगी। अब इसमें पहला आता है जो है वो पंचायत सहायकों को वित्तीय सहायता। ठीक है, जो नागरिक चार्टर में पहला जो विषय आता है वह है पंचायत सहायकों को वित्तीय सहायता। इसमें अगर हम बात करें तो योजना का नाम है, योजना के प्रारंभ का वर्ष और संक्षिप्त उद्देश्य दिया गया। पहला अगर देखेंगे तो 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान दिया गया। प्रारंभ वर्ष 2005-06 रहा था और इसमें अगर हम बात करें तो 12वें वित्त आयोग के संस्तुतियों पर धनराशि का आवंटन जो है 70:10:20 के अनुपात में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को किया जा रहा है। दूसरा है राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता की अगर हम बात करेंगे तो 1997-98 से दिया गया, योजना प्रारंभ किया गया। इसमें द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप धनराशि का आवंटन 70:10:20 के अनुपात में क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को किया जा रहा है। सार्वजनिक लैंप पोस्टों के रखरखाव, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित मार्ग, खलंजा नाली के रखरखाव, जल निकासी, स्वच्छता कार्यक्रम, प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक पाठशाला, पंचायत भवन, एनम सेंटर तथा अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है पंचायत भवनों का निर्माण। तो यह 6वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ ग्राम पंचायतों के कार्यालय, उनकी बैठकों के आयोजन है, सभाकक्ष तथा ग्राम पंचायत के सचिव के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में एक पंचायत भवन की निर्माण लागत 17.46 लाख रुपये निर्धारित है और भवन में ये एक बैठक हाल, 2 कार्यालय कक्ष, कर्मी आवास, बरामदा, शौचालय खंड जो है ये इतनी चीज बने होने चाहिए। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आता है ग्रामीण किसानों को बाजार एवं पशु हाटों का निर्माण कराना। 2004-05 से योजना लागू है, प्रारंभ हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत गाँव में ग्रामीण किसान बाजारों, पशु हाटों का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, फिर आता है पांचवा, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत नाली का निर्माण करवाना। 2006-07 से ये प्रारंभ हुआ है और गाँव में घरों से निकलने वाले बेकार पानी की उचित निकासी तथा वातावरणीय स्वच्छता के उद्देश्य से भूमिगत नाली निर्माण की योजना प्रारंभ की जा रही है। फिर दूसरा आता है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ठीक है, नागरिक चार्टर एक्ट में जो दूसरा विषय दिया गया है वो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम दिया गया है और इसके तहत पहला कार्यक्रम आता है केंद्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। संक्षिप्त विवरण की बात करें तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान 2000-2001 से प्रदेश के 12 जनपदों में प्रारंभ किया गया, बाद में चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त जनपदों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का जो है शुभारंभ किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या क्या रहते हैं इसके? तो ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत 100% आच्छादन कराना, जन जागृति, आरोग्य शिक्षा के द्वारा स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं की मांग। तीसरा पॉइंट है ग्रामीण स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय व मूत्रालय की सुविधा कराना, कम लागत की शौचालय की तकनीक को प्रोत्साहन देना, अस्वच्छ वातावरण एवं दूषित जल से फैलने वाली बीमारियों में कमी लाना। ठीक है, इसके अलावा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण शुरुआत किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त यानी ODF प्लस की ओर भारत जो है अग्रसर है और इसके उद्देश्य की बात करें तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गांव में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। BPL तथा 10% APL परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के लिए 1500 अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत फिल्म स्तर तक जो है 1000 रुपये का मॉडल जो है अनुमन्य है। हालांकि वर्तमान में ODF प्लस के लक्ष्य के प्राप्त करने हेतु एक शौचालय के निर्माण के लिए 12000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसमें केंद्र
का भाग जो रहता है वो 9,000 रुपये तथा राज्य का भाग जो है 3,000 रुपये देता है। तो इस तरीके से 12,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है स्कूल शौचालय का निर्माण एवं आंगनबाड़ी स्वच्छता। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की नवीनतम दर अनुसूची के आधार पर पृथक पृथक बालक एवं बालिका शौचालय के लिए 10.95 लाख रुपये निर्माण लागत निर्धारित की गई है। इसमें बच्चों में नए विचारों के प्रति असंवेदनशीलता होने के कारण उन्हें स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करने और शिक्षित करने हेतु तो स्कूल शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग इकाइयों का निर्माण किया जाता है। एक स्कूल शौचालय की इकाई की लागत है 20,000 रुपये तक निर्धारित है, जिसमें 2,000 रुपये जो है पंचायत का अंश होता है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र और बाल मैत्री शौचालय इकाई की लागत 5,000 रुपये निर्धारित है, जिसमें 500 रुपये जो है पंचायत का अंश निर्धारित है। ठीक है, फिर आता है सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण। तो ये जो है ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी सुविधा को दृष्टि में रखते हुए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत गाँव में सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाता है। एक सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स की लागत अधिकतम 2 लाख रुपये निर्धारित है, जिसमें 20% पंचायत का अंश होता है। सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स में शौच के साथ साथ नहाने एवं कपड़ा धोने तथा जलापूर्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। जिन गाँव में परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध न हो, हाट बाजारों व मेला स्थलों पर सामुदायिक शौचालय के निर्माण का प्रावधान है। तो ये इतना हो गया जो है, ये इतना जो पॉइंट था ये था केंद्रीय वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है, जो कार्यक्रम है वो है ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्र। ठीक है, तो ग्रामीण स्वच्छता सेवा केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो एक विक्रय केंद्र जहाँ ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति एवं पेयजल स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराने की वस्तुएं निर्धारित मानक उचित उचित गुणवत्ता एवं दामों पर जो है उपलब्ध है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या रहा था, तो ग्रामीण स्वच्छता का प्रचार प्रसार करना, सीमेंट मोज़ेक सिरेमिक की शौचालय के सेट उपलब्ध कराना, शौच कक्ष के दरवाजे उपलब्ध होना, खाद्य पदार्थ रखने वाली जालीदार अलमारी, जूते चप्पल की बिक्री हेतु, पेयजल शुद्ध करने हेतु क्लोरीन की गोली, ब्लीचिंग पाउडर आदि की बिक्री करना, स्वच्छता से संबंधित चीज़ें, समस्त सामानों यथा फिनाइल, नाखून कटर, ढक्कनदार बाल्टी, डंडी वाला लोटा आदि की बिक्री करना, ये सभी जो है इसका उद्देश्य रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तीसरा जो नागरिक पंचायत चार्टर एक्ट में आता है वो आता है पंचायतों का दायित्व, कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास। तो दायित्व क्या क्या है, तो समय से ग्राम सभा की बैठकें हों, उद्देश्य कैसे पूरा करें, तो ग्रामीण जनता के पंचायत के कार्यालयों की जानकारी मिले तथा धन के व्यय, कार्यालय कार्यों एवं लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता हो, खरीफ एवं रबी की खरीफ एवं रबी फसलों की जो है बैठकें हों। ठीक है, तो इस तरीके से समय से ग्राम सभा की बैठकें के अंतर्गत इस तरीके से प्रकार से किया जाए, उद्देश्य इस तरीके से पूरा किया जाए। दूसरा दायित्व आता है ग्राम पंचायत की मासिक बैठकें हों, इसमें निर्वाचित सदस्यों को पूरी जानकारी मिले ताकि लेखा जोखा नियंत्रित हो सके। ठीक है, तीसरा आता है समितियों की मासिक बैठकें दायित्व है, इसमें पंचायतें अपने सहयोग के लिए निर्धारित कार्यों का कार्यान्वयन विकेंद्रित रूप से 6 समितियों के सहयोग से पूर्ण करें। फिर आता है चौथा ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि का दायित्व, कैसे उद्देश्य पूरा होगा, तो स्वशासन की इकाई परिकल्पना को साकार करने हेतु अधिनियम में निर्धारित कर फीस व शुल्क की वसूली करें। फिर आता है कार्यों में पारदर्शिता, तो पंचायत ग्राम पंचायत को प्राप्त धनराशि से कराए गए कार्यों का विवरण सार्वजनिक भवन पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जाए, मास्टर रोल लाभार्थी सूची आदि का जो प्रकाशन कार्यालय में सूचना पट पर जो है किया जाए। ठीक है, इसके बाद अब आता है छठवां पॉइंट, इसमें ग्रामीण स्वच्छता। तो ग्रामीण स्वच्छता में ग्राम को खुले में शौच मुक्त बनाना तथा वातावरणीय स्वच्छता बनाए रखना, इसका जो है उद्देश्य इस तरीके से पूरा किया जा सकता है। सरकारी सस्ते गुल्ले की दुकान पर नियंत्रण के दायित्व की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर अनियमितता की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत उप जिलाधिकारी को प्रस्ताव दें ताकि दुकान निलंबित की जा सके। फिर आता है स्थायी स्तर पर योजना बनाकर स्वीकृत करें, जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पर ग्राम पंचायत जनहित की योजनाएं बनाएं तथा 50,000 रुपये की लागत की योजना स्वीकृत कर पूर्ण करें। फिर आता है 3 माह में एक बार ग्राम पंचायत एवं भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों का निरीक्षण करना, इसमें न्यूनतम 3 माह में एक बार अनिवार्यता ग्राम पंचायत एवं भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों का औपचारिक रूप से प्रधान निरीक्षण करें ताकि प्रधान जनमानस को जो है ग्राम समाज की संपत्ति की जानकारी दे सकें। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें था पंचायत जो है नागरिक चार्टर एक्ट में पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व। तो जनता का दायित्व क्या होता है, क्यों और कैसे किस प्रकार करें, ये सभी इसमें चीज़ें हम देखेंगे बिंदुवार। पहला जो दायित्व आता है बैठकों में सहयोग करें। ठीक है, जनता का दायित्व क्या होता है, पहला कि बैठकों में जो है सहयोग करें, और क्यों करें और कैसे करें, तो ग्राम सभा की बैठक में विभिन्न कार्यों में योजनाओं पर सकारात्मक रूप से चर्चा करें तथा प्राप्त धनराशि से कराए गए कार्यों की अवश्य जानकारी प्राप्त करें, विभिन्न योजनाओं के पात्र व्यक्तियों का ही चयन करें।
ठीक है। दूसरा आता है ग्रामीण स्वच्छता का ध्यान दें, यह दायित्व जनता का। इसमें सभी परिवार शौचालय अवश्य बनवाएं तथा प्रयोग करें, महिलाओं के सम्मान एवं वृद्धों की सुविधा के लिए शौचालय बनवाएं, गांव की गलियों में नालियों को साफ रखें तथा कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, घर के अंदर व बाहर सफाई रखें, शरीर की सफाई रखें। फिर आता है ग्राम पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा करें, इसमें वृक्षों को अवैध कटान रोकें, ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा न करें, सामुदायिक भवनों का रख रखाव ठीक से हो, अधिकाधिक उपयोगी वृक्ष लगाएं। फिर आता है जन सहभागिता बढ़ाएं, इसमें विकास कार्यों निर्माण कार्यों में समुदाय की पूरी भागीदारी हो, श्रमदान की प्रवृत्ति को बढ़ाएं, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। ठीक है। पांचवा, इसमें विकेंद्रीकरण कार्यक्रम। विकेंद्रीकरण कार्यक्रम में क्या कार्य है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी होना चाहिए। उद्देश्य क्या उद्देश्य इसका, तो स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन ग्राम पंचायत कार्यालय में जनता को सुविधा प्रदान करना तथा कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर सीधी जवाबदेही होना। ठीक है। दूसरा, कार्यों का हस्तांतरण, तो विभिन्न विभागों जैसे कि हैंडपंप, कृषि, ग्राम विकास, ग्राम पंचायती राज, पशुपालन, युवा कल्याण, पेंशन, छात्रवृत्ति के ग्राम स्तरीय कार्य ग्राम पंचायतों को दिए जाने से इन कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित होगी। फिर आता है परिसंपत्तियों का हस्तांतरण, यह कार्य है, तो स्थानीय स्तर पर परिसंपत्तियों जैसे सार्वजनिक भवनों, पाठशालाओं, हैंडपंप आदि का व्यवस्थित रख रखाव होगा। फिर आता है ग्राम पंचायतों को धनराशि का हस्तांतरण, तो इसमें जिन विभागों के कार्य ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं उनकी धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने से स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता से उच्च कोटि के कार्य होंगे। इसके बाद आता है समितियों का गठन, तो समितियों का गठन के कार्य की बात करेंगे, तो इसका उद्देश्य है विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण से केवल ग्राम प्रधान सचिव अकेले कार्य न कराकर समितियों से सहयोग लें ताकि कार्य में पारदर्शिता हो। इसके लिए जो है समितियों का गठन करना जरूरी है। अभिलेखों में पारदर्शिता, तो इसके लिए प्रति 5 पृष्ठ तक के लिए 5 रुपये तथा अतिरिक्त 1 पृष्ठ के लिए 1 रुपये ग्राम पंचायत अभिलेखों के नकल हेतु फीस निर्धारित की गई है। फीस जमा कर प्रार्थना पत्र देने पर 3 दिन के अंदर नकल दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके अलावा आता है प्रशासनिक समन्वय समितियों का गठन, तो जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा मंडल स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रशासनिक समन्वय समितियां गठित की गई हैं जो पंचायती राज विकेंद्रीकरण के जुड़े कार्यों के जो है गहन की समीक्षा करेंगी। तो ये सारे चीजें जो है इस तरीके से विकेंद्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण, कैसे ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखा जाए, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो ग्राम पंचायत स्तर पर धन का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रधान, उप प्रधान व सदस्यों के विरुद्ध जो है जांच कानून बना है और शिकायत शपथ पत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, जिसके साथ साक्ष्य भी दिए जा सकते हैं। तीसरा आता है शिकायत के जांच केवल जिला स्तरीय अधिकारी जिसे जिला मजिस्ट्रेट आदेश देंगे द्वारा किया जाएगा। फिर चौथा आता है ग्राम पंचायत अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है अनुबंधित करेगी। फिर आता है ग्राम पंचायतों को ऑडिट महालेखाकार द्वारा किया जाएगा। फिर आता है प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप है तो ग्राम सभा स्वयं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा सकती है। ठीक है। इसके बाद पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था क्या क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम या संबंधित नियम कार्यक्रमों की जानकारी के लिए पंचायत हेल्पलाइन व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के विभागीय अधिकारी प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक कार्यालय के दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। जिला स्तर पर प्रत्येक जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय के दूरभाष एवं पंचायत पदाधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी से अपनी बात कह सकते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एवं प्रस्तावित राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान जो है उसको RGPSA, ठीक है, RGPSA, इसके बारे में जानेंगे क्या है, तो राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसमें 75% धनराशि वित्त पोषण केंद्र सरकार, 25% धनराशि वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और उद्देश्य क्या है, तो योजना का उद्देश्य पंचायतें एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा पंचायतों में आम आदमी की भागीदारी की प्रोन्नति, पंचायतों को लोकतांत्रिक रूप से निर्णय लेने एवं उत्तरदायित्व निभाने में सक्षम बनाना, जानकारी एवं पंचायतों की क्षमता वृद्धि है, पंचायतों के संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, ये सभी जो है इसका उद्देश्य रहा इस योजना का। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 243 है उसकी भावना के अनुरूप जो है अधिकार एवं उत्तरदायित्व को पंचायतों के सुपुर्दगी, ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जन सहभागिता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण तथा संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा पंचायतों को सशक्त रूप देना होता है। कार्य निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पर योजना का मूल्यांकन व 20% धनराशि की स्वीकृति राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से प्रस्तावित योजना के आधार पर धनराशि दी जाएगी
और तथा 2014-15 से कुल योजना की 20% धनराशि राज्य सरकारों द्वारा 73वां संविधान संशोधन के प्राविधान के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के आधार पर दिया जाएगा। उक्त कार्य बिंदु रूप से निम्नलिखित है रूप से हैं। पहला उसमें आता है पंचायतों को प्रशासनिक तथा तकनीकी मदद देने हेतु अपनाई गई उचित नीति होनी चाहिए। पंचायतों को कर एवं शुल्क जैसे स्रोतों से धन उगाही हेतु अधिकार संपन्न किया जाना चाहिए। पंचायतों को अटाइंड फंड्स उपलब्ध कराया जाना और राज्य वित्त आयोग तथा केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि को समय पर निर्धारित अवधि के अंतर्गत निर्गत किया जाना चाहिए। पंचायतों को कार्य कर्मी व धनराशि का हस्तांतरण करना चाहिए। जिला योजना समिति के माध्यम से नीचे से नियोजन की प्रक्रिया एवं कन्वर्जर्स का कार्यक्रम कार्यान्वयन करना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग को स्वायत्त शासी बनाना एवं स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित किया जाना। इसके अलावा पंचायतों को क्षमता वृद्धि हेतु जो है पंचायतों का ढांचा मजबूत किया जाना, पंचायतों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को कार्यान्वित किया जाना, ग्राम सभा का सुदृढ़ीकरण, महिला सभा व वार्ड सभा को प्रोन्नति करना आदि जो है इसके कार्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा धनराशि आवंटन का आधार क्या होता है? तो 2014-15 से केंद्र अंश यानी कि केंद्र का 80% राज्य की ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण जनता स्वीकृति योजना और मुक्त धनराशि के उपभोग के आधार पर दिया जा रहा है। जो राज्य बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको परफॉर्मेंस के आधार पर की जाने वाली 20% धनराशि से अधिक अंश भी प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्थाओं संस्थाओं की भूमिका क्या है? तो 73वां संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 के अनुसार स्वच्छता को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तदनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थानों द्वारा जमीनी स्तर तक जो है कार्यान्वित किया जा रहा है और इसमें पंचायती राज संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, विशेषकर इस समय जब 15वें वित्त आयोग ने स्वच्छता कार्यों के लिए अलग से जो है निर्धारण निधियां प्रदान की है। योजना की अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इसके सभी गाँव से लोगों विशेषकर महिलाओं और पिछड़े लोगों को शामिल करते हुए ग्राम स्वच्छता योजना तैयार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि गांव में खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने और ठोस और तरल कचरा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए एक विश्वसनीय योजना तैयार की जाए। ग्राम पंचायत GPDP आयोजना सिद्धांतों के अनुसार नियोजित योजना सॉफ्टवेयर और साथ ही SBM जी और IMS IMIS में अपनी योजना की प्रविष्टि करेगी। ग्राम पंचायत अपने अधिकारियों कर्मचारियों अर्थात पंचायत सचिव और पंचायत DEO के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि इस योजना में कोई बदलाव हो तो वह तुरंत दोनों सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, समस्त वास्तविक और वित्तीय प्रगति को दोनों निर्धारित सॉफ्टवेयर में तुरंत अपडेट किया जाएगा। निधि प्रवाह की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत राज्य की व्यवस्था के अधीन निधियों की प्राप्तिकर्ता भी होगी और सामुदायिक शौचालय और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन बुनियादी अवसंरचनाओं के वित्त पोषण के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से भी योगदान देगी। ग्राम पंचायत अपने सभी गाँव में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए सही स्थान का चयन सुनिश्चित करेगी और विशेष रूप से सुनिश्चित करेगी कि ग्राम पंचायत के जिन क्षेत्रों में SC ST आबादी सहित समाज के कमजोर वर्गों की आबादी अधिक हो इस संबंध में प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, ग्राम पंचायतें यह सुनिश्चित करेंगी कि स्वच्छता के लिए अलग से निर्धारित सभी निधियों का निवेश और उपयोग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाए। ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र के भीतर काम करने वाले सभी संस्थानों और समितियों को अपने कार्यक्रमों में स्वच्छता को प्राथमिकता देनी होती है। समन्वय की बात करें तो जिले परिसंपत्तियों के निर्माण O&M के लिए बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे संस्थानों व्यवसायों कॉरपोरेट सामाजिक संगठनों के नियोजन में ग्राम पंचायतों की सहायता करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर पर्यावरण स्वच्छता बुनियादी ढांचा जल निकासी व्यवस्था आदि परिसंपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, निगरानी की बात करें तो ब्लॉक और जिला दोनों ही स्तर के पंचायती राज संस्थान नियमित रूप से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। ग्राम पंचायतें भी SBMG कार्यक्रम की निगरानी में भूमिका निभाएंगे। ग्राम पंचायतें इस कार्यक्रम का सामाजिक ऑडिट कराएंगी और इसमें सहायता करेंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 6 महीने में एक बार सोशल ऑडिट की बैठक होगी। DSBMG और BWSC इस कार्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के जिम्मेदार होंगे। ठीक है, अब जन्म मृत्यु पंजीकरण क्या है? तो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रवृत्त होने के पश्चात देश में जन्म मृत्यु मृत जन्म का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों का प्राविधान किया गया है। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत की जाती है तथा वह राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जन्मों और मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण और अधिनियम के कार्यविधि से संबंधित मामलों में
निर्देशन एवं मार्गदर्शन करने वाले केंद्रीय पदाधिकारी हैं। उन्हें विभिन्न राज्यों में अधिनियम की कार्यविधि के संबंध में केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट तय प्रस्तुत करनी होती है। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य रजिस्ट्रार अपने राज्य में अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान को लागू करने वाले मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी तथा जन्म मृत्यु आंकड़ों के संकलन तथा सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु जो है महारजिस्ट्रार भारत की सरकार ने केंद्रीय विधि मंत्रालय के परामर्श से रजिस्ट्रेशन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा प्रपत्रों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 1970 में आदर्श नियमावली निर्मित किया। इस रजिस्ट्रेशन प्रणाली में रजिस्ट्रार के स्तर पर अधिक कागजी कार्यवाही होने के कारण रजिस्ट्रार द्वारा सांख्यिकीय प्रतिवेदन मुख्यालय भेजने का कार्य जो है प्रभावित होता था। तो रजिस्ट्रार की कागजी कार्यवाही को सीमित करने के दृष्टिकोण से रजिस्ट्रेशन प्रणाली की प्रपत्रों को संशोधित किया गया ताकि आंकड़ों एवं अभिलेखों का अग्रसारण शीघ्रता से होने के कारण प्रणाली सुविधाजनक और आधुनिक प्राविधिक का उपयोग हो सके। इस प्रणाली में सांख्यिकीय मद से विधिक मद को पृथक करके कुछ नए महत्वपूर्ण मद को सम्मिलित करते हुए प्रपत्र को नया स्वरूप प्रदान किया गया। ठीक है, इस प्रकार नए सूचना प्रपत्रों का एक विधिक भाग पंजीकरण के पश्चात संबंध रजिस्टर का भाग होगा तथा सांख्यिकीय भाग के आंकड़ों के संकलन हेतु राज्य मुख्यालय पर अग्रसारित किया जाना होगा। उपयुक्त अनुसार उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1976 के स्थान पर संशोधित उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 निर्मित की गई है, जो कि शासकीय राजपत्र में दिनांक 22 मार्च 2003 से प्रदेश में प्रभावी है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रणाली एवं उसकी उपयोगिता। ठीक है, सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली को देश की विधिक आवश्यकताओं के अनुरूप किसी आदेश अथवा अधिनियम में परिभाषित तथा उपबंधित जन्म मृत्यु की घटनाओं और उनके लक्षणों को निरंतर स्थायी और अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह सामाजिक स्तर पर एक व्यक्तिगत हित को सुरक्षा प्रदान करता है। जन्म मृत्यु के अभिलेख से व्यक्ति विशेष की पहचान, नाम, पारिवारिक संबंध, जन्म का स्थान आदि की सूचना प्राप्त होती है और राष्ट्रीयता निर्धारित करने का मुख्य आधार है। जन्म प्रमाण पत्र के स्कूल में प्रवेश हेतु आयु को प्रमाणित करने, रोजगार प्राप्त करने, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने, कानूनी संविदा करने, विवाह आदि के लिए सामान्यता आवश्यकता होती है। मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तराधिकार सिद्ध करने, संपत्ति बीमा, सामाजिक सुरक्षा के लाभों पर दावे साबित करने में सामान्यता आवश्यक होते हैं। प्रशासनिक प्रयोजनों में जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम, माता व शिशु के प्रसव के बाद देखभाल करने तथा टीके एवं प्रतिरक्षण के टीके लगाने आदि कार्यक्रमों के लिए जन्म के रिकॉर्ड के आधार हैं। मृत्यु के रिकॉर्ड संक्रामक महामारी रोगों की व्याप्तता और इन्हें रोकने के लिए तत्काल उठाए जाने वाले कदमों के संकेतकों के रूप में उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त मृत्यु के अभिलेखों के उपयोग चिकित्सीय अनुसंधान, संक्रामक आनुवांशिक अध्ययन के लिए किया जा सकता है। सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली का वर्तमान में मुख्य कार्य जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़ों का विस्तृत संकलन करना है। जन्म मृत्युकरण रजिस्ट्रीकरण के समय घटना से संबंधित विशिष्ट सूचनाओं के संकलन से प्राप्त परिणामों के आधार पर जनसंख्या में होने वाले वार्षिक परिवर्तनों का आकलन किया जा सकता है, जो कि जनगणना द्वारा 10 वर्ष के अंतराल पर ही प्राप्त होता है। इस पद्धति द्वारा किसी पत्र विशेष की विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या के आकार, उसकी संरचना और भौगोलिक विवरण के अनुमान लगाए जा सकते हैं। जनसांख्यिकीय संकेतकों का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, परिवार कल्याण, मातृ शिशु कल्याण, कुपोषण और शिक्षा, आवास आदि जैसी सुविधाओं का योजनाओं के प्रचालन और मूल्यांकन हेतु किया जा सकता है। ठीक है, फिर अब बात करेंगे हम कॉमन सर्विस सेंटर की। तो कॉमन सर्विस सेंटर यानी किसको हम कहते हैं, CSC योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए B2C सेवाओं के अलावा आवश्यक साधनों की उपयोगी सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सेवाओं के वितरण के लिए एक पहुंच बिंदु है। यह देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं को पूरा करने का एक अखिल भारतीय नेटवर्क है, जो इस तरह से एक सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल रूप से समावेशी समाज की सरकार को, जनादेश को सक्षम बनाता है। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 योजना की अगर हम बात करें तो CSC योजना के आकलन के आधार पर सरकार ने देश भर में सभी ग्राम पंचायतों में CSC की पहुँच का विस्तार करने के लिए वर्ष 2015 में CSC 2.0 योजना शुरू की है। CSC 2.0 योजना के तहत वर्ष 2019 तक देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से एक प्रत्येक में से कम एक CSC स्थापित किया गया। इस योजना के तहत काम कर रहे को भी देश भर में एक अतिरिक्त 1.5 लाख CSC के साथ मजबूत और एकीकृत किया गया। कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 योजना की विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत में 2.5 7 CSC
तक का आत्मनिर्भर नेटवर्क, यानी मतलब ये 2.5 लाख होगा, ठीक है, एक साथ 2.5 लाख, एक साथ CSC का आत्मनिर्भर नेटवर्क एकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक साथ कई ई सेवाएं, हितधारकों की सेवाओं का मानकीकरण तथा क्षमता विकास, क्षमता निर्माण, स्थानीयकृत हेल्प डेस्क सहायता, अधिकतम कमीशन में के माध्यम से VLE स्थिरता, VLE के रूप में महिलाओं को अधिक प्रोत्साहित करना, ये सभी आता है इसमें विशेषता। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF जिसको कहते हैं, ये स्थानीय और स्थापना एवं अन्य विकास योजनाओं में क्रिटिकल गैप के कार्यों एवं योजनाओं को लेना तथा पंचायती राज एवं नगर निकायों को संस्था का सुदृढ़ीकरण योजना का प्रमुख उद्देश्य है। योजनाओं का चयन संबंधित पंचायतों और नगर निकायों द्वारा किया जाता है, जिन्हें अंतिम रूप से जिला योजना समिति द्वारा पारित किया जाता है। अंत्येष्ट स्थलों का विकास किस प्रकार किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित महती योजना 2014-15 से प्रारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत पूर्व से प्रयोग में आ रहे अंत्येष्ट स्थलों का विकास करना, ठीक है, सौदाग्रह हेतु प्लेटफॉर्म, शांति स्थल, लकड़ी का टाल एवं अन्य नागरिक सुविधाएं तथा पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था करवाना इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।